हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज आपके लिए एक और शानदार प्रॉपर्टी लेके आ गए हैं। 500-500 गज के दो जोड़े बनाए हुए हैं यहाँ पे। सारे फ्लोर्स की अवेलेबिलिटी है। फेसिंग की बात करें तो आपका ये वेस्ट फेसिंग जो है प्रॉपर्टी रहने वाली है, एंड बीच में कॉमन पैसेज है। बाकी दोनों बिल्डिंग्स की पार्किंग के अलग अलग गेट्स मिल जाते हैं आपको, एंड 18 मीटर रोड पे है। उसके अलावा पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है, गेटेड कम्युनिटी है, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। प्राइजिंग भी एकदम जेन्युइन है गेटेड के हिसाब से और जो काम किया हुआ है उसके हिसाब से। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। इस साइड से जो है आपका कॉमन एंट्री आ जाती है, वहीं पे ही आपका डोरफोन कैमरा दोनों बिल्डिंग्स का दोनों साइड के गेटों पे आ जाएगा। एंड जैसे ही पार्किंग एरिया में एंटर करते हैं, ये देखिए, ये पूरी हमारी जो है पार्किंग स्पेस आ जाती है। उस साइड की पार्किंग स्पेस वहाँ पे आ जाती है। दो कॉमन गेट जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं आपके। एंड ये हमारी जो है एंट्रेंस लॉबी आ जाएगी पूरी इस साइड पे। इसके अलावा आपको मैं इसमें बताऊँ तो नीचे के तीनों फ्लोर्स के साथ 1/3 1/3 बेसमेंट मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे हमारे जो है सारे सर्वेंट रूम्स आ जाएंगे। ये हमारा पीछे का ओपन स्पेस आ जाता है बेसमेंट का पूरा इस साइड पे। काम अभी चल रहा है, सैंपल फ्लोर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल आ जाता है। एंड इससे आगे जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो एक लिफ्ट आपकी यहाँ पे आ जाती है, एक लिफ्ट वहाँ पे आ जाती है। बीच से कॉमन टेरेस आके उस बिल्डिंग की स्टेयरकेस वहाँ चली जाती है, उस इस बिल्डिंग की यहाँ पे चली जाती हैं, और नीचे हमारा बेसमेंट आ जाता है। जैसे ही हम आगे ऊपर की तरफ प्रोसीड करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे ये पूरी हमारी लिफ्ट लॉबी आ जाती है। बीच में हमारी ये पूरी शाफ्ट आ जाएगी दोनों बिल्डिंग्स की। लिफ्ट एक वहाँ पे आ गई, लिफ्ट एक यहाँ पे आ गई। उसमें अभी काम चल रहा है। इस साइड में हमारा सैंपल रेडी है। यहाँ कुछ ऐसी हमारी एंट्रेंस आ जाती है। और लगभग आपको मैं आइडिया दूँ तो हमारा 9 फुट की हाइट पे आपका गेट मिल जाता है। यहाँ पे बहुत हैवी गेट मिल जाता है। डिजिटल लॉक आ जाता है, फिंगरप्रिंट कार्ड, और उसके अलावा आपका वीडियो कॉल भी है, फ़ोन से कनेक्टेड है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल होम नाउ। जैसे ही एंटर करते हैं, एंटर करते ही ये देखिए, एरियाज एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत शानदार फ्लोर प्लान निकाला हुआ है। ड्राइंग स्पेस, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं इस ब्यूटीफुल से शैंडलियर के नीचे। उसके बाद पीछे किचन आ जाती है, 2 बेडरूम पीछे, 2 बेडरूम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा पाउडर रूम, उसके अलावा यहाँ पे हमारी पूरी शाफ्ट आ जाती है। एक अलग से जो है फैमिली लाउंज की जगह निकल आती है इसमें। तो यहीं से ही शुरुआत करते हैं। आगे की तरफ आते हैं तो नीचे आपका पूरा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिल जाती है आपको। ब्यूटीफुल सा आपको शैंडलियर मिल जाता है, ये देखिए, बहुत शानदार शैंडलियर मिल जाता है आपको। और इस साइड पे 2 डिज़ाइनर लाइट्स आ जाती हैं, ऊपर आपकी फोकस लाइट्स आ जाती हैं। वॉल पे आप देखेंगे तो स्टोन वर्क आ जाता है। साइड में आपका जो है लूअर्स आ जाते हैं। एंड जैसे ही आगे प्रोसीड करते हैं तो ये देखिए,
काफ़ी ग्रीन स्पेस मिल जाती है आपको यहाँ पे। बाकी ये हमारी पूरी इस साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये हमारा इस बेडरूम से अटैच्ड बालकनी हो जाती है। यहाँ पे हमारे टैप के लिए प्रोविजन दिया, ऊपर आपका एसीपी का सारा वर्क आ जाता है एल्यूमिनियम कंपोजिट का। और ये थी हमारी फ्रंट बालकनी, तो इससे अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो एंटर करते ही जैसे ही आगे प्रोसीड करते एक और ब्यूटीफुल सा शैंडलियर आपको यहाँ पर मिल जाता है। फॉल सीलिंग वर्क आप देखेंगे, सिंपल सोबर रखा हुआ है बिल्कुल सारे में आपका, एलईडी लाइटिंग के साथ, एंड ब्यूटीफुल सा सामने पार्टीशन आ जाता है। अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें यहाँ पे भी बना सकते हैं हमारा डाइनिंग स्पेस, अगर हम इस एरिया को खुला रखना चाहें तो खुला भी रख सकते हैं। ये हमारा ड्राइंग बना के उसके बाद बिल्कुल किचन के सामने हम यहाँ पे हमारा डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। एसी की फिटिंग एक यहाँ पे आ जाती है, एसी की फिटिंग एक वहाँ पे आ जाती है आपकी। उसके अलावा जैसे ही आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पे हमारा फैमिली लाउंज की स्पेस निकाली हुई है। इसमें हम जैसे ही एंटर करते हैं ये देखिए, ये भी आपका पूरा स्टोन वर्क मिल जाता है, एंड साइड में आपका बेसिकली सारा आपका लोअर वर्क आ जाता है। फॉल सीलिंग वर्क आप देख ही सकते हैं, ये देखिए नीचे आपका टोटल इटालियन मार्बल फ्लोरिंग आ जाती है। साथ में आपका यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, मंदिर बनाना चाहे यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं, स्टोर की तरह यूज़ करना है स्टोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी यूटिलाइज करना चाहें कर सकते हैं। एंड इससे आगे प्रोसीड करते ही आ जाती है हमारी यहाँ पे किचन। किचन में जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखिए बीच में आपका ये आइलैंड किचन का काउंटर आ जाता है, डबल डोर फ्रिज के लिए स्पेस आ जाती है, मार्बल फिनिश आपकी इस पे पूरे पे दी हुई है, फैबर के सारे अप्लायंसेस आ जाते हैं, आपका माइक्रोवेव ओवन चिमनी हॉब सारा फैबर की आपकी जो है अप्लायंसेस रह जाती हैं। बाकी ये देखिए फ्लूटेड ग्लास फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है, नीचे सारी मार्बल वाली ही फिनिश आपको मिल जाती है। ये हमारा बॉटल के लिए है, एंड ये देखिए हैटिक की सारी आपकी यहाँ पे मॉड्यूलर फिटिंग्स रहती हैं। बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वॉश करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये देखिए तो ये जो है कुल मिला के बढ़िया चीज लगाई हुई है यहाँ पे। वॉल पे भी आप देखेंगे तो पूरा टाइल वर्क मिल जाता है आपको, डबल वॉल सिंक हमारी यहाँ पे आ जाती है वॉशिंग एरिया बेसिकली, और यहाँ पे अगर लगाना चाहे हमारा डिश वॉशर के लिए भी स्पेस छोड़ी हुई है। बाकी यहाँ पे हमारी आ जाती है रियर बालकनी, सारे गेट्स में आपको मेश डोर मिल जाता है, एक सेकेंड ये लॉक हो रखा है, कोई नहीं मैं दूसरे बेडरूम से आपको जो है पीछे का एरिया दिखा दूंगा। ऊपर आपको सीलिंग में देखेंगे तो पूरा जो है प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है यहाँ पे, और कॉब लाइट्स आ जाती हैं, एंड इस साइड पे आ जाता है हमारा पहला बेडरूम। पहले बेडरूम में जैसे ही एंटर करेंगे बहुत ज्यादा आंखों को सूदिंग कलर यूज किया हुआ है, एंड फॉल सीलिंग देखिए आप, इतनी शानदार फॉल सीलिंग मिल जाती है आपको, एसी की फिटिंग यहाँ पे आ जाती है हमारी, टीवी पैनल मिल जाता है आपको यहाँ पे, रियर बालकनी आ जाती है वहाँ पे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एंड इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम।
में आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको एल शेप में पूरी वार्डरोब मिल जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। खोल के मैं दिखा देता हूँ अंदर से आपको। एलईडी लाइटिंग मिल जाती है इसमें आपको वार्डरोब में। इस साइड पे एलईडी लाइट के साथ आपका मिरर आ जाता है, ये देखिए। और नीचे आपकी वैनिटी स्पेस आ जाती है ग्लास पार्टीशन के साथ। शॉवर एरिया आ जाता है आपका इसमें पूरा। तो ये था हमारा पहला बेडरूम और उसका वॉशरूम। एंड ये भी लॉक है, सेकंड, ये भी हमारा लॉक है, कोई बात नहीं। तो इससे आगे हम जैसे ही प्रोसीड करते हैं, वैसे आप ये देखेंगे ना तो आप किसी भी बेडरूम से जो है बीच वाले एरिया का पूरा व्यू ले सकते हैं। एंड ये जो ग्रैंडनेस है ना बिल्कुल बीच की, एकदम एक्सेप्शनल है। इस साइड पे आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। बेडरूम में आप जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखिए फॉल सीलिंग में प्रोफाइल लाइटिंग के वर्क के साथ इतनी शानदार सीलिंग मिल जाती है। आपका सामने टीवी पैनल आ जाता है। इस साइड पे हमारी बेड के सराहने की वॉल आ जाएगी। एसी की फिटिंग यहाँ पे आ जाती है आपकी। और ये देखिए, ये आपका सिटिंग एरिया जो है इसमें बनाया हुआ है पूरा। ये सारा आपका जो है एसीपी शीट यूज़ की हुई है इसमें। एसीपी शीट बोल सकते हैं, एसीपी लूअर बोल सकते हैं, वो यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अपना हम एक आउटडोर फर्नीचर वगैरह रख सकते हैं। एंड ये आ जाती है हमारी रियर बालकनी। यहाँ पे हमारा सिलेंडर की फिटिंग आ जाएगी। और यहाँ पे हमारी टैप का प्रोविज़न दिया है वॉशिंग मशीन के लिए। एक उस कॉर्नर में टैप का प्रोविज़न आपको मिल जाता है। एंड इस साइड पे आ जाता है हमारा वॉशरूम। जैसे ही एंटर करते हैं एल शेप में आपकी पूरी वार्डरोब आ जाती है। ये देखिए एलईडी लाइटिंग मिल जाती है, सीलिंग तक आपकी वार्डरोब रहने वाली है। नीचे आपका फ्लोरिंग में पूरा टाइल वर्क, वॉल पे आपका ग्लॉसी फिनिश टाइल्स मिल जाती है ग्लास पार्टीशन के साथ। शावर एरिया आ जाता है। शावर एरिया देखिए, मैं इस कॉर्नर में खड़ा हूँ, बहुत ह्यूज शावर एरिया मिल जाता है। एलईडी लाइट के साथ मिरर मिल जाता है आपको यहाँ पे। उसके अलावा आपका यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स आ जाती है। नीचे आपकी वैनिटी स्पेस मिल जाती है आपको। तो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम और उसका वॉशरूम। बीच में जो है ये वाला एरिया मिल जाता है हमें। ये देखिए, ये हमारी पूरी शाफ्ट रहने वाली है। यहाँ पे हमें यहाँ पे ओपन स्पेस मिल जाती है। बाकी फ्लोर्स में आपको देखेंगे यहाँ पे बालकनी निकाली हुई है शाफ्ट में ही। यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सी डिजाइनर लाइट मिल जाती है। एंड इस साइड पे आ जाता है हमारा पाउडर वॉशरूम। ये देखिए, इसको मैं एक सेकेंड, तो एलईडी लाइट मिरर मिल जाता है आपको यहाँ पे। एंड ऊपर आपकी वॉलपेपर की फिनिश आ जाती है, फॉल सीलिंग वर्क आ जाता है एलईडी लाइटिंग के साथ। नीचे आपका इटालियन मार्बल रहने वाला है। वैनिटी स्पेस मिल जाती है आपको वॉशरूम में। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे सुंदर सा आपका वॉलपेपर की फिनिश, ऊपर आपकी डिजाइनर लाइट। और इस साइड पे आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में जैसे ही एंटर करते हैं, नीचे आपका टोटल वुडन फ्लोरिंग आ जाती है। सामने आपका मोल्डिंग का वर्क आ जाता है पूरा वॉल पे।
ऊपर आप फॉल सीलिंग देखिए, सारे बेडरूम्स की एकदम यूनिक फॉल सीलिंग है। ऊपर आपको प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है, सामने टीवी पैनल आ जाता है आपका, और उसके अलावा फ्रंट बालकनी में आपको दिखा ही चुका हूँ, और इस साइड पे आ जाता है ब्यूटीफुल एंड ह्यूज सा वॉशरूम। जैसे ही एंटर करते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे भी आपकी पूरी वार्डरोब आ जाती है ग्लास फिनिश में, और इस साइड पे भी आपकी पूरी वार्डरोब आ जाती है ग्लास फिनिश में, एंड ब्लैक एंड वाइट कलर की फिनिश पूरे जो है वॉशरूम में दी हुई है। ग्लास पार्टीशन के साथ हमारा शावर एरिया आ जाता है, उसके अलावा यहाँ पर हमारा LED लिट मिरर आ जाता है, एंड नीचे भी आपकी ब्लैक कलर की ग्लास की फिनिश मिल जाती है। वैनिटी स्पेस में ब्लैक कलर का बेसिन आ जाता है और वाइट कलर एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो बहुत शानदार फिनिश दी हुई है। इसके अलावा ये था हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम से हम जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो इस साइड पर आ जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम। बेडरूम में हम जैसे ही एंटर करते हैं तो ये देखिए, इसमें भी आपका बिल्कुल आंखों को सूदिंग कलर यूज़ किया हुआ है, एंड सामने आपका वॉलपेपर की फिनिश मिल जाती है। वार्डरोब पे भी आप हैंडल देखेंगे तो मैच किए हुए हैं उससे ही, ये पूरी हमारी जो है वार्डरोब आ जाती है। वार्डरोब मैं खोल के दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए पे हमारा टीवी पैनल आ जाता है, ऊपर आप फॉल सीलिंग देखेंगे तो आपको प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। इसके अलावा ये वाली बालकनी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ इस बेडरूम के साथ जो मिल जाती है आपको, और यहाँ पे आ जाता है हमारा वॉशरूम। जैसे ही एंटर करते हैं LED लिट मिरर आ जाता है, नीचे आपकी वैनिटी स्पेस आ जाती है, सेम वार्डरोब पे जो फिनिश है वही फिनिश यहाँ पे भी मिल जाती है आपको। ग्लास पार्टीशन के साथ शावर एरिया आ जाता है, ये देखिए, एंड ये था हमारा फोर्थ बेडरूम। तो मैंने जो आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा दिया, टेरेस अभी रेडी नहीं हुई है, बेसमेंट अभी रेडी नहीं हुआ है तो इसलिए वो मैं दिखा नहीं पाया हूँ, बाकी मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा दी है। बहुत जेन्युइन प्राइसिंग है, प्राइसिंग आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं आपको प्राइसिंग नहीं दे पाऊँगा क्योंकि प्राइसिंग अगर मैं देता हूँ तो उसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको अभी एक प्राइस दे दिया, आप मेरे को 15 दिन बाद या एक महीने बाद कॉल कर रहे हैं वो वीडियो देखने के बाद, तो उसमें क्या होगा कि प्राइस डिफरेंस आ जाता है, और मैं अगर वीडियो में कोई प्राइस कोट कर रहा हूँ और फिर आप एक महीने बाद मेरे से प्राइस पूछेंगे तो बिल्डर के प्राइस में डिफरेंस मिल सकता है, चाहे वो 2 लाख रुपए का हो चाहे 20 लाख रुपए का हो, डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वजह से जो है मैं कोई भी आपको प्राइस नहीं दे पाऊँगा, पर आपको मैं साफ बता दूँ 6 से लेकर 7 के अंदर जो है सारे फ्लोर्स की आस्किंग है। बाकी मैंने जो है आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा दी है, अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आए आप जल्द से जल्द देख पाएँ, और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी मैंने नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया, उस पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।